1939 से लेकर 1942 तक वो कैद में थे। कैद में रहने के बावजूद भी उनके कलम की धार कम नहीं हुई और न ही उनके सोच की प्रवाह। ये वो समय था जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन रचनाएं लिखी, लेख लिखे, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। 1969 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। उस समय भारत अंग्रेजों की बेड़ियों को काटने के बाद अपने सामाजिक बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहा था। तब नागार्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से लेखन के साथ साथ समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। इसी मकसद से वो जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन से भी जुड़े। अरे भाई, कब तक चलेगी ये हड़ताल? जब तक बिहार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इस हड़ताल के चक्कर में आप लोग ही मिट जाएं। इसके लिए यदि मिट भी गए तो भी कोई गम नहीं। छात्र देश का भविष्य है। भविष्य भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए यदि मरना भी पड़े तो भी कम है। देखते हैं। क्या हम छात्र कभी खुशी की हवा में सांस ले पाएंगे? जयप्रकाश नारायण जी ने ये मुहिम इसीलिए तो चलाई है। वो हवा जरूर बहेगी जिसमें तुम लोग निश्चिंत होकर सांस ले सको। वो दिन अवश्य आएगा। वो अपने बाल बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, सारा भारत वर्ष के बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये 2-3-4 बच्चों को पर मैं क्या ध्यान दूँ? मुझे तो पूरे भारत वर्ष के बच्चों पर ध्यान देना है। मैं उनके विषय में सोचता हूँ, इसीलिए मैं घूमने जाता हूँ, देखता हूँ, और उस दृश्य को देखकर मैं कविता बनाता हूँ या उसके विषय में उसकी कहानी या जीवनी लिखता हूँ। ऐसा कोई उनको कोई बांध नहीं पाया, किसी भी धर्म में नहीं बांध पाया, ना कोई पार्टी उनको बांध पाई। लोग कहते हैं वामपंथी वो रहे, ठीक है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कुछ किया था शुरू में और बाद में भी, लेकिन उसका विरोध भी उन्होंने उसी रूप में किया। फिर जब अलग हुए तो अलग ही होते गए। कम्युनिस्ट पार्टी बाद CPM हुई तो उसमें आए, जो नया चीज़ होता था ना वो उनको आकर्षित करता था, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद वो CPM में भी एक विचारधारा अलग हुआ, जनवादी लेखक संघ हुआ, आप लोग शायद जानते होंगे। उसका जब उद्घाटन हुआ तो उसमें ये मंच पर थे, उसमें भी थे। तो इस तरह से था इनका, इनको मतलब कुछ जो चीज़ अच्छा लगा, नया है, अच्छा है, उसमें मैंने पहले ही बताया कि उसमें ये बहुत डूब जाते थे। उसके बाद लगता था कि इनको ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत खराब लगा तो, माहौल उससे अगर बिगड़ रहा तो उस चीज़ से वो अलग हो जाते थे। पराधीन भारत में ही नहीं बल्कि स्वाधीन भारत में भी नागार्जुन देश के लोगों के लिए जेल गए, लेकिन क्या जेल की सलाखें अंगारों को रोक पाई? नागार्जुन की कलम से शब्द नहीं अंगारे बरसते थे। उन्होंने पढ़ने वालों के मन में सामाजिक बदलाव की चिंगारी जला दी थी। ब्रेक के बाद जानेंगे नागार्जुन की चिंगारी समाज की किन किन रूढ़ियों को भस्म करने के काबिल थी।